हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिस तरह से आप सबको दिख रहा है, मैं कहीं पे जा रही हूँ। एंड अगर आप सबको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा तो आप सबको पता चल गया होगा कि ये है भुवनेश्वर एयरपोर्ट का रोड। तो मुझे एयरपोर्ट जाना था, ये बहुत सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू है, मुझे जल्दी जल्दी से एयरपोर्ट जाना पड़ा। एंड एयरपोर्ट से मुझे कहाँ जाना है ये आपको पूरा वीडियो देखने पर ही पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। एंड वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड सबको हैप्पी दशहरा, दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एंड आप सबका दुर्गा पूजा कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट अभी के लिए ये वाला वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी मैं पहुंच गए हूँ एयरपोर्ट के सामने ही, टर्मिनल 2 है ये, जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। अभी यहाँ पे जिस तरह से आप सबको दिख ही रहा है, सारी ट्रॉलीज रखे गए हैं। तो एक ट्रॉली यहाँ से मैं ले लेती हूँ, पहले अपना सामान उसमें डाल देती हूँ। एंड ये है भुवनेश्वर एयरपोर्ट का व्यू, ये है फ्रंट का व्यू, बाकी तो आपको अंदर जाके ही दिखाऊंगी। एंड ये है हमारा एंट्री गेट, तो चलिए अभी एंट्री करते हैं। एंड एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह सा था माहौल एयरपोर्ट के अंदर। तो पहले तो मुझे अपना बैग स्कैन करवाना था, तो इसीलिए मैं चल रही हूँ बैग स्कैन करवाने के लिए। एंड मेरा था इंडिगो, तो मुझे इंडिगो के काउंटर पे जाना था। तो फिर चलिए चलते हैं, पहले मैं बैग स्कैन कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे है विकलानंद का रसगुल्ले। रसगुल्ले यहाँ का बहुत फेमस है। एंड यहाँ पे उसके साइड में आपको मिल जाएगा देसी रिपास्ट। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट में हूँ तो आपको थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ खाने के लिए मिल जाएंगे, कौन से स्टॉल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा ग्राउंड फ्लोर में हूँ टर्मिनल 2 पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रसगुल्ला का एक स्टॉल, उसके साइड में देसी रिपास्ट। देन अगेन जहाँ से मेरा डिपार्चर था, लाइक गेट नंबर 2, वहाँ पे मैं गई, तो वहाँ पे मुझे 2-3 स्टॉल्स ऐसे फूड का दिखा जो कि यहाँ पे है, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा। एंड ये है देखिए गेट नंबर 2, तो इधर ही आपको बैठने के लिए इस तरह सा सीटिंग एरिया मिल जाएगा। एंड उसी के साइड में ही 2 स्टॉल्स आपको इधर मिल जाएंगे, जिसका नाम था, एक था करी किचन एंड दूसरा था रापाफेला। तो यहाँ पे आपको सारे स्नैक्स आइटम्स एंड कॉफ़ीज़, चाय, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। रोल्स इधर ज़्यादा फेमस ऐसे लिखा हुआ था रापाफेला में, अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे ये सब खाने के लिए मिल जाएंगे। एंड जैसे कि एयरपोर्ट में प्रेजेंट है, तो आपको एयरपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा प्राइसी तो आ ही जाएगा। एंड बस आपकी मर्ज़ी आप क्या लेना चाहते हो। एंड यहीं पर ही गेट नंबर 2 और 3 जो एक ही साथ में ही है, वहाँ पर आपको एक कैपेचिनो करके एक कॉफ़ी शॉप भी मिल जाएगा, तो उधर जाके आप कॉफ़ी भी पी सकते हो। उसके बाद मेरे बोर्डिंग के लिए थोड़ा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा ऊपर चलती हूँ, लाइक गेट नंबर 516 के पास चलती हूँ। वहाँ पे क्या क्या है मैं आपको वो दिखाती हूँ। पहले तो आपको स्टारबक्स मिल जाएगा, तो स्टारबक्स कॉफ़ी एक एक्सप्लैनेड में भुवनेश्वर में है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको दिखाया था, और एक भुवनेश्वर एयरपोर्ट में है। एंड यहाँ पर ओरिया स्ट्रीट ईट करके एक और स्टॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ओडिया कुजिन खाने का मौका मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक सोबिनर का शॉप है, अगर आप चाहते हो गिफ्ट वगैरह लेने के लिए ले सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिरयानी भाई, idli.com, ये सब फूड का स्टॉल्स इधर आपको दिख जाएगा। एंड कॉफ़ी बॉक्स करके भी एक है, कॉफ़ी का शॉप। उसके पास आपको मिलेगा हैंगआउट पुचकास, जहाँ पे चाट वैरायटीज ज़्यादा कुछ अवेलेबल थे। एंड मैगी का भी एक स्टॉल इधर आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे वैरायटीज़ के फूड स्टॉल्स इधर अवेलेबल हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट में। अगर आप कभी जाते हो भुवनेश्वर एयरपोर्ट में तो ये सारा कुछ आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जो पुचकास वाला जो स्टॉल था ना, वहाँ से मैंने कुछ ऑर्डर किया था, लाइक थोड़ा सा मिक्स चाट, चटपटा चाट था ये मेरा, जिसमें समोसा भी उन्होंने डाला था एंड बहुत सारे ऐसे चटपटा नमकीन भी डाला गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लग रहा था एंड फ्लाइट भी थोड़ी देर में ही बोर्डिंग होने वाला था। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया यहाँ का मिक्स चाट, जो कि काफ़ी यम्मी एंड टेस्टी था। आप सबको दिख ही रहा होगा कितना डिलिशियस दिख भी रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ओवर प्राइस था। एंड ऑब्वियस कि
यहाँ पे थोड़ा ओवर प्राइस होगा ही क्योंकि एयरपोर्ट में है, तो फिर भी मुझे 145 या फिर 165 अराउंड ऐसा कुछ आया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। एंड आप सबको दिख ही रहा है कि मैं ऑलरेडी फ्लाइट के अंदर हूँ एंड यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा जर्नी टूवर्ड्स दिल्ली। तो यस गाइस, मैं जा रही थी दिल्ली क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ काम था एंड यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में। ये दिल्ली एयरपोर्ट का ही व्यू है, तो फिर जल्दी जल्दी से हमें लेना है अपना बैग एंड फिर चलते हैं होटल के और। तो गाइज़ यहाँ पे था मेरा ब्रेकफास्ट, तो मैंने होटल पहुँच के ही ऑर्डर कर लिया था एंड इसमें मैंने मंगवाया था पराठे, पराठों के साथ मुझे मिला था दही, अचार एंड बटर एंड उसके साथ मैंने मंगवाया था कॉफ़ी, और बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी पराठे मुझे मिले थे। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो पराठा तो बनता ही है। देन मेरा जो भी काम था उसको मैंने ख़त्म कर लिया। ये है 2 डेज़ बाद का वीडियो जहाँ पर मैं गई थी लाल किला घूमने के लिए, रेड फोर्ट। तो ये है इसका बाहर का व्यू एंड अभी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब चेकिंग वगैरह होता है, टिकट्स वगैरह काफ़ी अच्छी तरह से वो लोग चेक करते हैं। तो गाइस दिल्ली में मैं पहले भी थी, लाइक बहुत दिनों तक दिल्ली में मैं रुकी हुई हूँ एंड दिल्ली का जो भी सारा टूरिस्ट पॉइंट्स है वो मैं ऑलरेडी घूम चुकी हूँ, लेकिन इस बार गई थी तो मुझे लगा एक दिन का टाइम बचा है तो मैं थोड़ा चली जाती हूँ, तो इसीलिए मैं चली रेड फोर्ट घूमने के लिए। एंड रेड फोर्ट का बाहर का नज़ारा तो आप सबने देख ही लिया, बहुत खूबसूरत है। अगर आप जाते हो दिल्ली तो रेड फोर्ट ज़रूर जाइए, अगर आप गए हो तो आपको पता ही होगा। तो फिर अभी हम चलते हैं अंदर एंड अंदर आपको दिखाती हूँ एक ब्यूटीफुल सा जगह जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है अगर मैं रेड फोर्ट जाती हूँ तो। तो ये तो पूरा एंट्री गेट है, आप एंट्री करते ही आपको इस तरह से एक खूबसूरत सा जगह देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो जगह आएगा ना वो बहुत ही आई कैचिंग वाला है। गाइस जिस जगह का बात मैं कर रही थी वो है ये, यहाँ पे ना रेड फोर्ट के अंदर लाल किला के अंदर एक बहुत सुंदर सा, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा एक मार्केट है, ऐसे साइड में ही आपको दिख जाएंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी यूनिक एंड एंटिक चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज मिल जाएंगे यहाँ पे, झुमकेस, बैंगल्स, बैग्स, सब कुछ इधर आपको मिल जाएगा। एंड प्राइस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको अच्छे अच्छे पीसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ से ख़रीदे हैं जब मैं पहले थी दिल्ली में एंड इस बार भी मैंने कुछ एक दो चीज़ें यहाँ से ली है, तो काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड अगर आप रेड फोर्ट आते हो तो इस वाले मार्केट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिल जाते हैं। यहाँ पर शॉल्स भी मिल जाएंगे, लाइक शॉल्स यहाँ पर 300-350 अराउंड इस तरह सा प्राइस में मिल जाएगा, तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आके ले सकते हो सारे चीज़। एंड सारे वो जो सॉल्स वगैरह है ना, ये सारे सब लखनवी स्टिच में बनाए गए हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चल पड़े अंदर। यहाँ पे दो बड़े बड़े गेट्स पहले मिलेंगे, एक जो मार्केट मैंने पहले दिखाया वो था फर्स्ट गेट में, थोड़ी देर आगे चल के जाते ही सेकेंड गेट आपको बहुत बड़ा सा मिलेगा, उसके साइड में भी ऐसे मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस मार्केट ख़त्म हो गया, अभी मैं हूँ पूरा अंदर लाल किला के अंदर। तो इधर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी ये आपको पूरा वीडियो देखने पे ही पता चलेगा, तो फिर चलिए देखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज ये सारे जो बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का था, लेकिन इधर आप आते हो तो यहाँ पे आपको मुगल आर्किटेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा मुगल आर्किटेक्चर है, अकबर यहाँ पे अपना शासन करते थे, तो ये सारे जो आपको किला वगैरह दिख रहा है ये सब अकबर के ज़माने का है। तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेनटेन तो किया है, लाइक दोनों साइड में आपको लॉन मिल जाएंगे, पार्क वगैरह आप लोग उधर जाके बैठ सकते हो, वहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पे है, ये सब मुगल आर्किटेक्चर है, ये पूरा यहाँ पे अकबर का ही शासन चल रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ पे आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे।
तो उस ज़माने के आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत तो होते ही थे, एंड इतने दिनों तक इसको इस तरह से मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे गाइड्स भी मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हो गाइड के हेल्प लेके इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए तो वो भी हायर कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है, बहुत बड़े बड़े ऐसे स्टैचू बना के उधर लिखा गया है, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो गाइस लाल किला के अंदर कैफ़े भी है, वो हम लोग लास्ट में जाएंगे, पहले हम लोग घूम लेते हैं। गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे अकबर बैठ के अपना जजमेंट सुनाते थे, शासन करते थे, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें का डिसीजन यहां पे ही बैठ के वो लेते थे, वो मैं आपको दिखाती हूं। एंड इस तरह से ही बहुत बड़े बड़े ऐसे दुर्ग टाइप ऑफ इस तरह से आपको दिख जाएंगे, बहुत डिस्टेंस होता था दोनों तरफ की दुर्ग के बीचों में। एंड ये है पूरा इसका व्यू जहां पे अकबर बैठते थे, चारों तरफ सभा के लोग वो सारे कुछ बैठते थे। एंड ये यहाँ पे जहाँ पे अकबर बैठते थे ना, चारों तरफ ऐसे ग्लास लगाया गया है ताकि इसको कोई टच ना कर सके, क्योंकि ये पूरा रियल है। और अंदर जो ये बना गया है ना सिंहासन काइंड ऑफ, ये मार्बल काइंड ऑफ वाइट कलर का एक मार्बल काइंड ऑफ उसी चीज़ से बनाया गया है, क्योंकि मुगल आर्किटेक्चर जो था वो मार्बल से ही ज़्यादातर बनाया जाता था। एंड इस तरह सा ही कुछ था, इस बड़ा सा एक सिंहासन हुआ करता था जहाँ पे अकबर बैठते थे, आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में। एंड ये सारा कुछ यहाँ पे जो पानी रखा जाता था, जैसे हम लोग फाउंटेन अभी यूज़ करते हैं, यहाँ पे पुराने ज़माने में इसी तरह सा ही फाउंटेन हुआ करता था, यहाँ पे पूरा पानी रहता था। यहाँ पे सामने भी आपको दिख ही रहा है कितना सुंदर एक पानी का जगह है, यहाँ पे भी फाउंटेन है। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा जहाँ पे जोधाबाई रहती थी, अकबर की लास्ट वाइफ जो थी जोधाबाई, वो हिंदू थी एंड सबसे चहेती थी वो, सबको पता है, आपने देखा होगा जोधा अकबर का मूवी हो या सीरियल हो, तो उनका जो रहने का जगह था वो हमने देखा, जहाँ पे वो लोग नहाते थे, लाइक जोधाबाई का बाथ प्लेस जो था वो हमने देखा। उसके साथ साथ हमने देखा खास महल जहाँ पे अकबर आते थे अपने पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए, जिसका नाम था खास महल। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर आर्किटेक्चर है इसका, एंड काफ़ी अच्छा लगता है जब अगर आप जाते हो रेड फोर्ट के अंदर, बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। यहाँ पे है दीवाने खास, जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए अकबर उधर जाया करते थे, वो खास होता था, इसलिए इसका नाम इस तरह से रखा गया है। एंड यहाँ पे हीरा महल है, जैसे जोधाबाई का एक महल हुआ करता था, उस तरह सा हीरा बाई भी एक थी जो कि अकबर जी की सेकंड वाइफ थी, तो उनका भी एक महल है, उनके नाम पे भी एक था हीरा महल करके, वो भी आप लोग यहाँ देख सकते हो, सबके नाम पे अलग अलग करके था। एंड ये बहुत खूबसूरत जगह होता है जहाँ पानी ऐसे रखा जाता है, बीच बीच में ऐसा होता है चारों तरफ से दिया वगैरह जो जलाया जाता है, वो सब आपने टीवी में देखा होगा, तो ये सारा कुछ आपको इधर रियल में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद उसके अंदर एक मस्जिद था अकबर जी का, तो वो मस्जिद भी इधर प्रेजेंट है, अगर आप जाते हो तो वो भी देख सकते हो। एंड इस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद, जिस तरह से लिखा गया था आप सबको दिखाया मैंने। एंड मोती मस्जिद बहुत ही बड़ा था उधर, लाइक
पूरा टोटल लाल किला अगर आप जाते हो तो पूरा ये सब नज़ारा आपको बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती से देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड, जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई बस इतना ही आप सबको दिखा रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड सारे ऑलमोस्ट सारी जगह मैंने कवर कर लिए हैं एंड फिर अभी भूख लगा है तो अभी खाने के लिए चलते हैं कैफ़े में। एंड इधर बहुत सारे म्यूजियम्स भी है, अगर आप चाहते हो तो म्यूजियम जा सकते हो, उसके लिए आपको अलग टिकट करना पड़ेगा। ये जो सारे बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स के ज़माने से बनाया गया है, तो वो सारे म्यूजियम्स में कन्वर्ट किए गए हैं उसको। एंड कुछ कुछ है जहाँ पे सोबिनर्स मिल रहे हैं, अगर आप गिफ्ट वगैरह खरीदना चाहते हो तो इधर आपको मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ उसके कुछ ही पार्ट्स को इन्होंने कैफ़े में कन्वर्ट किया है। तो भूख ज़्यादा लगा था तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर कर लिया इडली, एंड इडली के साथ मुझे मिला था सांभर एंड दो तरह की चटनी। एंड दो इडली मुझे मिला था, उसका प्राइस था 40 रुपीज़। दो इडली सांभर चटनी आपको 40 रुपीज़ में इधर मिल जाएंगे। थोड़े प्राइसी तो रहेंगे क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। तो फिर इडली के साथ साथ यहाँ पे आप लोग मज़ा ले सकते हो बाहर का लॉन का, क्योंकि इस तरह से कैफ़े बहुत खूबसूरत से बनाया गया था एंड इस तरह से सीटिंग एरिया आपको इस कैफ़े में मिल जाएंगे। लाइटनिंग वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा था। अंदर भी अगर आप चाहते हो अंदर बैठने के लिए तो आप लोग अंदर भी बैठ सकते हो। तो गाइस रेड फोर्ट में कैफ़े के अंदर जाके खाना खाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा बाहर से, टोकन लेने के बाद फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा, देन आपको खाना मिल जाएगा। तो गाइस इडली के साथ साथ मैंने यहाँ पे मंगवाया था उपमा, ये था उपमा एंड ये था 75 रुपीज़ का, लेकिन उपमा का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मुझे इडली ही ठीक ठाक लगा एंड यहाँ पर थोड़ा प्राइसी तो है। तो गाइस खाना खाने के बाद ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न आ गए। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो पाया मैंने बहुत ही ट्राई किया आप सबको सब कुछ दिखाने के लिए एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोग आए हो रेड फोर्ट तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर आप नहीं आए हो एंड आप दिल्ली आते हो तो ये जगह बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर आइएगा, काफ़ी सुंदर जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये सारे जो हिस्ट्री है हमारा उसको देखने के लिए जानने के लिए भी आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा एंड हमारे कल्चर आर्किटेक्चर ये सब कुछ आपको जानने के लिए भी देखने के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। तो फिर गाइज चलिए चलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे। दिल्ली में मैंने और क्या क्या एक्सप्लोर किया ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए गाइज आप लोग ये वाला वीडियो इन्जॉय कीजिए एंड कुछ थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा ताकि मुझे और भी मोटिवेट फील होगा, मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। एंड अभी हम लोग निकलते हैं उसी रास्ते से जहाँ से हम लोग आए थे। एंड आपको मैं बता दूँ अगर आप आते हो दिल्ली तो डायरेक्ट मेट्रो इधर के लिए मिल जाएगा, रेड फोर्ट के लिए मेट्रो में आपको टिकट मिल जाएगा, तो मेट्रो में आ जाइए एंड वहाँ से टुक टुक 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ देगा आपको, पूरा प्रॉपर गेट तक छोड़ देगा। तो आप लोग आइए ज़रूर एंड रेड फोर्ट घूमिए एंड मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड मार्केट से कुछ ना कुछ ले कर ज़रूर आइएगा गाइज। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, ढेर सारा प्यार दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए वीडियो को।